डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन नॉट डिटरमाइंड बाय द पर कैपिटल इनकम, और क्या था एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज लिटरेसी लेवल, एंड लास्ट ऑप्शन सही था हायर प्राइसेस ऑफ ग्रेन्स. इन रिलेशन टू डेवलपमेंट यू रेड सम ऑफ द नोशंस, कुछ मैटर्स, कुछ कंसेप्ट पढ़े थे जिसमें था डिफरेंट पीपल हैविंग डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, पढ़ा था. फॉर एग्जाम्पल परीना का डेवलपमेंटल गोल इज टू स्कोर द गुड मार्क्स इन अ 10th लेवल, 10th स्टैंडर्ड. दक्ष का डेवलपमेंटल गोल है टू बिकम एज अ बैडमिंटन प्लेयर. मेरा डेवलपमेंटल गोल है, मेरे जितने बच्चे हैं किसी का कोई डाउट ना रहे, जो भी है हर चीज का डाउट क्लैरिफाई हो, और मेरे सारे के सारे बच्चे 80 प्लस हो. वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, दैट्स व्हाई वी कॉल डिफरेंट पीपल हैविंग द डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स. ये आपने एक आस्पेक्ट पढ़ा था. दूसरा आपने पढ़ा डेवलपमेंट फॉर वन इट मे नॉट द डेवलपमेंट फॉर द अदर्स. अब दक्ष का जो डेवलपमेंटल गोल है बैडमिंटन प्लेयर है, अब उससे मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है ना, प्रॉफिट नहीं है. सो डेवलपमेंट फॉर द वन इज नॉट डेवलपमेंट फॉर द अदर्स. कंट्री हैज सेट अप द डैम्स, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, पढ़ा हुआ आपने. डैम्स बनते हैं रायना, हाँ बनते हैं. डैम्स आर जनरली बिल्ट फॉर द जनरेशन ऑफ द हाइड्रल पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, उसके लिए बनाए जाते हैं. बट ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम्स इट लीड्स टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, पीपल लॉस्ट देयर एग्रीकल्चर फील्ड, लार्ज स्केल ऑफ डिफॉरेस्टेशन हैज अकर्ड, जिसके कारण वाटर डिस्प्यूट्स, वेट टाइम. मैं जलंधर की बात कर रहा हूं, मैं हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूं. हरियाणा सेपरेटेड फ्रॉम पंजाब इन 66. दे स्ट्रगल फॉर द टू इंक्रीज द प्राइसेस एमएसपी ऑफ अ शुगर कीन, वो बढ़ाई जाए. पहले 305 थी, फार्मर्स दे प्रोटेस्टिंग फॉर द 400 रुपीज उसको सेट किया जाए, ठीक है ना. अब ये प्राइसेस अगर सेट कर दी जाए ज्यादा, और किसी, मैं ये नहीं कहता कि फार्मर्स को देनी नहीं चाहिए. When the, if the government has set the prices, जैसे हम wheat की बात करें, wheat has sell in the market at the amount of 2200 rupees per quintal, 22 rupees per kg के हिसाब से wheat बिकती है harvesting season में. अब ये off season में अगर ये आप off season में मांगोगे, हर कोई देगा, चाहिए. आज Sunday, आज Monday ही है, Monday Tuesday, ये सबने काटे होंगे, ला दिया करो. कहाँ थे हम, हाँ पर क्विंटल प्राइसेस ऑफ सीजन में वही फूड ग्रेन व्हेन यू परचेस इट विल बी एज अ 30 रुपीज 35 रुपीज, जो वीट फ्लोर है आप परचेस करते हो, ठीक है. इफ द गवर्नमेंट हैज सेट द प्राइसेस, इफ द गवर्नमेंट हैज सेट द प्राइसेस एज हायर फार्मर्स, इट विल बी एज अ बेनिफिटेड, दे विल बिकम एज अ प्रॉस्परस. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सच काइंड ऑफ अ पुअर पीपल विच कांट अफोर्ड अ 2 meals इन अ डे, हाउ कैन दे विल सर्वाइव, ठीक है ना. So, development for one may not development for the others. अब वहां पर क्वेश्चन ये था, which one of the following aspects not related with development? इस चैप्टर में आपने पढ़ा था, two classifications are there. One given by the World Bank, which categorizes the world economies based upon a per capita income. उसके बेसिस पे अगर categorize किया जाए, India has rise underdeveloped countries. तीन तरह की countries होती है, developed countries होती है, which are having as a total per capita income annually as 435,500, और आपकी बुक में डॉलर्स में लिखा हुआ है $12,051 एनुअली. जो जिस कंट्री में लोगों की एवरेज इनकम इतनी है, दे आर लिविंग अबव आवर, सॉरी दीज आर द डेवलप कंट्रीज, अमेरिका, रशिया, जापान, कंट्रीज विच आर पोजेसिंग एज अ पर कैपिटा इनकम अराउंड 1200, मोर देन 1200. दीज आर द डेवलपिंग कंट्रीज, कंट्रीज विच पोजेस, इधर ध्यान दो, कंट्रीज विच आर पोजेस एज ए मोर देन 1200 पर कैपिटा इनकम इन डॉलर्स. अगर इसको रुपीस में देखा जाए तो 35,500 टू द 435,500, दीज आर द डेवलपिंग नेशंस. इंडिया पर कैपिटा इनकम इज 27,000 एनुअली, 27,000 एवरेज इनकम अर्नड बाय द इंडिविजुअल. हाउ कैन वी कैलकुलेट द पर कैपिटा इनकम, हाउ कैन वी कैलकुलेट द पर कैपिटा टोटल इनकम, टोटल इनकम अर्न्ड फ्रॉम अ थ्री सेक्टर्स डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन. पर कैपिटा इनकम एवरेज इनकम निकल आती है, जो आपने किया हुआ है अरिथमेटिक मीन, किया हुआ है दक्ष, समीशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज.
मैं उतना डिटेल में नहीं, इतना कहा कि एवरेज कैसे निकालते हैं, वो नहीं होता, आप कहीं और चलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन में चलेगा। इसके कंपैरेटिवली एक और क्लासिफिकेशन दी थी HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें कहा गया नॉट एज द पर कैपिटा इनकम इज अ इंडिपेंडेंट इंडिकेटर थ्रू विच वी कैन कैटेगराइज वर्ल्ड इकोनॉमीज, क्योंकि पर कैपिटा इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हर कंट्री में वेरी करता है, रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। रियान मैं यहां पर हूं, यहां पर इधर लिटिल बिट 30 डिग्री लेफ्ट साइड, 30 डिग्री। सो उन्होंने कहा पर कैपिटा इनकम इज नॉट अ इंडिपेंडेंट इंडिकेटर थ्रू विच वी कैन कैटेगराइज इकोनॉमीज, उसके लिए उन्होंने सोशल इंडिकेटर्स यूज किए। सोशल इंडिकेटर्स में डाला एक हेल्थ एंड एजुकेशन, कंट्रीज विच हैव पोजेस्ड अ बेटर सर्विसेज ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन दे आर कंसिडर्ड एज अ मोर डेवलप्ड कंपैरेटिवली द बेस्ड ऑन पर कैपिटा इनकम, बेस्ड ऑन पर कैपिटा इनकम। ठीक है, क्वेश्चन आपका था डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन नॉट डिटरमाइंड बाय पर कैपिटा इनकम, जो वर्ल्ड बैंक ने क्राइटेरिया यूज किया था ये है अभी। सेकेंड एज एवरेज लिटरेसी लेवल, दिस एज अ क्लासिफिकेशन यूज बाय द UNDP और HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उन्होंने हेल्थ एंड एजुकेशन दो आस्पेक्ट की स्टडी की थी। ठीक है, किसी कंट्री के अंदर लिटरेसी लेवल कितना हाई है, आपकी कंट्री का कितना है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंगली लिटरेसी कितनी है, वट इट मीन्स लिटरेसी, एजुकेशन है, वट इट मीन्स एजुकेशन, यू स्पेंड 13 ईयर्स इन स्कूल एजुकेशन, एम आई करेक्ट, 13 साल हो गए हैं, 10th में आप हो, 3 आपकी प्री प्राइमरी क्लासेस हैं, 13 ईयर्स यू स्पेंड इन अ स्कूल एजुकेशन, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इट मींस एजुकेशन, एजुकेशन सिंपल पढ़ाई, एजुकेशन मींस पढ़ाई। यस रियान, व्हाट इज योर ओपिनियन रिगार्डिंग द एजुकेशन? मैंने कहा एजुकेशन किसे कहा जाता है, हाउ कैन यू डिफाइन द एजुकेशन? Knowledge, education means knowledge. It means a person which has not going towards the school, it has not possessed the knowledge. It has not possessed the knowledge. Akbar suna hua hai? Suna hua hai Akbar? Jalaluddin Muhammad Akbar. Suna hua hai? It was a successor of? Aap knowledge ki baat karte ho, aapke paas knowledge hai kyunki aapne padha hua hai. Main uski baat kar raha hu jo fully illiterate tha. Angutha chap jise kaha jata hai. Yes, can you tell me he was the son of Babalo? Ye knowledge hai. This is the knowledge. Humayun. Akbar succeeded after the Humayun. Theek hai? Akbar was a illiterate, but he experienced, he gained a knowledge through the experiences, life experiences. Wo kabhi school hi nahi gaya. Education akeli knowledge to nahi hui. Maine kaha school education akeli knowledge to nahi hui. Baron Khan tha, but after the 20, when he became as a 21 years old, he take over the control of the power in their hands, Akbar. Throughout the life, Baram Khan has support nahi kiya. Education means what? Literacy day. What? It means literacy. We can check the level of the education in country through the literacy. But education kya? Rana? Differentiate between long, wrong and right, the difference between the wrong and right. अगर मैं कहूं आपने 13 years निकाले हैं, आपको wrong and right का पता है? For example, आपको एक teacher कह रहा है sit properly, once, twice, thrice, 4 times, 10 times, 100 times. When a person not follow, what it means? The person not educated. Are you consider this as not? इसमें कोई classes mark नहीं कि आपने 10th किया, plus 2 किया, then you are the capable for a literate, you are a literate, clear, literacy clear hai. Ek second indicator used kiya tha HDI ne, health status in country. What is a health? I don't know what it means health. Anybody? Yes, you. What it means health? Are you consider yourself as a healthy? Because you are sitting like this, you are not comfortably sitting in a class, because complete of a bench is here. She will answer. Health means what? Swasthya. When a person is free from diseases is considered as a health. Kartik, are you agree with her? Yes, this one condition is there. Yes, PMI,
BMI, yes, correct. BMI is the correct. Body mass index. How can we calculate a body mass index? Do you know? How can we calculate the body mass index? Body mass index, haanji. आपका जितना वेट है ना उसको केजीस में कन्वर्ट करो, ठीक है, पाउंड्स की जगह केजीस में कैलकुलेट करने के बाद आफ्टरवर्ड्स यू हैव टू मेजर योर हाइट इन मीटर्स, आपकी जितनी हाइट है उसको मीटर्स में कन्वर्ट। फॉर एग्जांपल अगर मेरी हाइट की बात की जाए, मेरी हाइट है 5'11", ठीक है, 5'11" इज इक्विवेलेंट टू द 180 नहीं होगा, 180 होगा, ओके, देखते हैं बाद में, चलो 172 अगर हुआ, whatever the height calculated in a meters, it should be as a squared. उसको square कर दो, उसका multiply उतने से कर दो. जितनी figure आपको पास आ गई, weight को divide कर दो total height से. If your body mass index is a, जो figure आपके सामने आएगी, if it is as the less than the 18.5, आपकी height और weight की accordingly, is the less than the 18.5, then it means as a person is undernourished. A person is undernourished. ये नहीं है इसकी हाइट ठीक है, हाइट के अकॉर्डिंगली वेट ठीक है उसका। अंडर नरिश मींस द पर्सन इज नॉट टेकिंग एज एडिक्वेट डाइट, न्यूट्रिएंट कंटेंट्स आर नॉट गिवन टू द पर्सन। व्हेन अ पर्सन नॉट गेटिंग द एडिक्वेट नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन देयर फूड आइटम्स, देन द पर्सन हैज अफेक्टेड विद अ डैश, माल नरिश्ड, द पर्सन इज अ माल नरिश्ड। एक डिजीज होती है इससे एसोसिएटेड जो आपने बायो में पढ़ी हुई है, व्हाट वी कॉल्ड इट, कौन सी डिजीज होती है, नो डिजीज विच हैज कॉज्ड ड्यू टू द माल नरिशमेंट। बच्चे का फिजिक बढ़ता है, फिजिक बढ़ता है, पर उसका स्टमक जो है वो अनयूजुअली बाहर को निकलता है, मेरास्मस, मेरास्मस पढ़ा हुआ है, आप कह रहे नहीं पढ़ा हुआ है, बायो आप पढ़ते हैं, देखो हो गया। एक तो बीएमआई के थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं हेल्थ का स्टेटस क्या कंट्री में, दूसरा आईएमआर, infant mortality rate, infant mortality rate, what it means, when a child die under age group of 1 year, bacche ka birth hua hai, ek saal ke beech mein uski death ho gayi, kya karan tha, mother it was not properly aware about the health and hygiene of a individual, us bacche ki health aur hygiene ke liye, us bacche ko proper nutrients nahi mile after birth, theek hai na, diet achi nahi mili is karan uski death ho gayi hai, medical facilities achi nahi thi is karan bhi death ho sakti hai, ठीक है, या फिर हो सकता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अ प्रेगनेंसी पीरियड मदर नॉट गेटिंग द नॉलेज अबाउट देयर प्रॉपर इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन, उस कारण भी बच्चे की डेथ हो जाती है। इफ द इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट इन अ कंट्री इज मोर देन 10% से ज्यादा है, मींस द पॉपुलेशन इज नॉट सिक्योर। अगर बच्चे की डेथ एक साल में हो रही है तो वर्किंग क्लास में कौन जाएगा, बड़ा कौन हुआ, कोई भी नहीं, ठीक है ना, वो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। वही जो आपका बॉडी मास इंडेक्स था, अगर आप वो 25 को क्रॉस कर जाएगा, इट मींस द पर्सन इज ओवरवेट, 18.5 से नीचे अंडरनरिश्ड है, ठीक है, और 25 से ऊपर पर्सन इज ओवरवेट। क्लियर, बीएमआई क्लियर है, आईएमआर क्लियर है। तीसरा है डेथ रेट, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, बट व्हाट इट मींस डेथ रेट, बर्थ रेट, नंबर ऑफ डेथ्स पर ईयर, एंड यू, अच्छा, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स विच आर अकर इन अ ईयर इज नोन एज, वेरी गुड, वो देखो उन्हें सही कहा, डेथ रेट मींस द टोटल नंबर ऑफ डेथ्स एज कंपेयर टू 1000 लाइव बर्थ्स इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। हमारी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन कैलकुलेशन का टाइम पीरियड होता है 10 साल का, सेंसिस ईयर जिसे कहा जाता है। लास्ट टाइम सेंसिस 2011 में हुआ था, अब इस साल होगा 2021 में। मैंने कहा होगा, होगा, ठीक है, हाँ होगा, पर अभी तक नहीं हुआ है, जो कंडीशन चल रही है उसके कारण लोग इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। पॉसिबिलिटीज आर देयर, इट विल बी कंडक्ट ऑन नेक्स्ट ईयर। सो गिवन पीरियड 10 इयर्स का है, 10 इयर्स के पीरियड के बीच में जितने लोगों की डेथ हुई है उसका टोटल लाइव बर्थ, जो पॉपुलेशन बच गई है, ठीक है, जो अलाइव है, उसका रेशियो कैलकुलेट किया जाता है डेथ रेट। टोटल नंबर ऑफ डेथ्स एज कंपेयर टू द 1000 लाइव बर्थ्स इज अ डेथ रेट, ठीक है, आप गए नहीं अभी तक, नहीं जाइए, आप जाइए, ठीक है, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, बॉडी मास इंडेक्स, डेथ रेट, और एक और एस्पेक्ट होता है
इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, डेथ रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट इक्विवेलेंट और विच हेल्प्स टू कैलकुलेट. अगर बर्थ रेट हाई है मीन्स बेटर हेल्थ फैसिलिटीज आर देयर. आपकी कंट्री में बर्थ रेट बहुत ज्यादा हाई है, डेथ रेट कंट्रोल हुआ है. नाउ मैं हेल्थ से रिलेटेड एस्पेक्ट हुआ, हेल्थ को कैसे कैलकुलेट करेंगे? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेड लाइफ स्पेंड बाय द इंडिविजुअल. एक्सपेक्टेड लाइफ, एक्सपेक्टेड मींस एक एवरेज पर्सन कितने साल तक जिंदा रहता है इंडिया में, वो एक है लाइफ एक्सपेक्टेंसी. इफ योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज लेस देन 50 मींस अ लाइफ सिक्योरिटी नॉट परसिस्ट इन अ कंट्री. लोगों की लाइफ सिक्योर नहीं है, इसलिए लोगों की डेथ हो जाती है पहले. कारण कोई भी हो सकता है, इट मे बी एज अ पॉवर्टी, पीपल आर द पुअर, दे कांट कंप्लीट देयर बेसिक नीड्स, ये भी हो सकता है. पुअर मेडिकल फैसिलिटीज है, हेल्थ सेंटर्स नहीं है एडिक्वेट यहाँ पर, जितनी पॉपुलेशन है उतनी सर्विसेज नहीं है हेल्थ सर्विसेज, इस कारण भी डेथ हो सकती है. डेथ का कारण ये भी हो सकता है, द कंट्री हैज नॉट कंट्रोल द एपिडेमिक्स, स्प्रेड ऑफ अ डिजीज. अभी जो कोविड का टाइम चल रहा है ये हर कंट्री के ऊपर है. अगर डेथ रेट बढ़ा है तो हर कंट्री में बढ़ा है, पर हमारी कंट्री में डेथ रेट को कैलकुलेट किया जाएगा पिछले 10 साल के कंपैरिजन 2011 के बाद, पर कोविड तो साथ हुआ 2020 में लास्ट ईयर, ठीक है ना. तो डेथ रेट के ऊपर इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा. हाँ जी, हाँ जी, 19 में तो चाइना में स्टार्ट हुआ, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ. आप इंडिया में ही है कि आप चाइना से हैं? इंडिया में ही है. वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, जो भी एस्पेक्ट मैंने कहे वो सारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कहे, ठीक है ना. इंडिया में 1920 से 2030 तक डेथ रेट सडनली बढ़ गया था, प्लेग फैल गया था. प्लेग इज अ डिजीज विच हैज स्प्रेड ड्यू टू द विवान, प्लेग इज अ एपिडेमिक विच हैज स्प्रेड ड्यू टू द विच लिविंग बींग. प्लेग, PLAGUE, रैट्स, वेरी गुड सेड प्रॉपरली, रैट्स, रैट से फैलता है उस 10 साल. हाँ जी, चलें आगे, चलें. वो रेबीज होता है एनिमल से, डॉग्स हो गए, अगर डॉग बाइट है, पिग की बाइट है, या फिर काउ बफलो ने किया, उससे भी रेबीज के जर्म्स आ जाते हैं. रेबीज, RABIES, रेबीज. क्लियर दक्ष? ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्लियर है. एवरेज एज स्पेंट बाय द इंडिविजुअल इंडिया में 59 इयर्स है. एक एवरेज पर्सन 59 इयर्स तक जिंदा रहता है, उसमें से कुछ लोग हैं जो 90 प्लस भी चले जाते हैं, पर एक पॉपुलेशन ऐसी है जो 40 से नीचे जिसकी डेथ हो जाती है, ठीक है ना. जो मोस्टली ऐसा यंगर्स नाउ प्रेजेंटली, जो वर्किंग पॉपुलेशन हमारी, उसका लॉस हो रहा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी. सो फोर एस्पेक्ट्स आर देयर थ्रू विच वी कैन कैलकुलेट अ हेल्थ स्टेटस इन अ कंट्री. क्लियर? आपके आंसर, आपका आंसर मिल गया, उसके अंदर बहुत आंसर कवर होगा. कंटिन्यू करें. लैंड यूज पैटर्न, लैंड यूज पैटर्न. किसी का कोई डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, दे कैन आस्क ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. एनीबडी वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस रिलेटेड विद द डेवलपमेंट? नोबडी नहीं. रियान, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, इंडिया कैटेगराइज एज द डेवलपर और डेवलपिंग नेशन? According to the World Bank's classification, India categorized under the developed, developing. Third option is underdeveloped, and fourth option is none of the above. Developing, underdeveloped. Stand up. Underdeveloped. Any other questions related with the development? Anybody? Anybody? Nobody? Any questions? Yes, Karthik. Yes, Karthik. UNDP stands for? UNDP stands for? Yes. No options are there. Straight forward. Haan ji. Answer dijiye. So a session-based question is there. Per capita income adversely impact on growth. Per capita income adversely impact on growth. Second statement is there. The reason it leads to, per capita income leads to the economic development. So four options as according to the pattern. Both A and B are the correct, and sorry, R and
A are the correct, and A is a correct explanation of a R. These assertion is a correct explanation of a reason. आपने क्या ऑप्शन दिया? B. D क्या था? Assertion false and reason true. इनमें से किसी एक को बिठा दो. If you wish, मनमीत अगर इनमें से किसको बिठाना चाहते हो बिठा सकते हो, otherwise no. He withdraw. Okay, very good. NSA and GSA. These are the categories of a land under the arable land, cultivable land, land which is capable for a production. बताया तो बहुत कुछ है, आप याद नहीं रखते. When I just enter in a class, मैंने बताया था आपको. No, then next, Raina. Raina Sanat. NSA and GSA. Turn over, Vivan. Turn over. Stand up. Yes, you. First girl. NSA and GSA. Net zone area and gross zone area. Net zone area, when land use once in a year for a production is a net zone area. Same land when it has used more than once in a year for a production means three agriculture seasons are capable to use a land more than once in a year for a production is a gross zone area. Second, land utilization as a fallow land. Sometimes we are not utilize the land for a cultivation. When land remain unused for a certain period of time to regain its fertility is known as a fallow land. FALLOW. Fallow land are there two categories, current fallow land and permanent fallow land. Current fallow land means that land which has not used for a one agriculture season or a year. Ek saal se use nahi kiya gaya. Sit down all of you. Except if you want. So land which has not used for a cultivation more than... Daksh, stand up. Cut it off. So that land which is not used for a one agriculture season or a year is a current fallow land. When land is continuously not used for since last five years. When land continuously not used for a cultivation since last 5 years is a permanent fallow land. We can reduce the fallow land, the area under the fallow land through some of the efforts are there. For example, modern cropping pattern means multiple cropping, intercropping are the possibilities to reduce the area under the fallow land. वो लैंड जिसको एक साल एक एग्रीकल्चर सीजन में कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं किया जा रहा है उसको इंक्रीज किया जा सकता है. ओके, सेकंड, एनी अदर? मॉडर्न के अंदर साइंटिफिक ही आया. सॉरी, इंप्रूव इरिगेशन फैसिलिटीज एश्योर्ड इरिगेशन फैसिलिटीज मेक पॉसिबिलिटीज टू ट्रांसफॉर्म द फैलो लैंड इन टू द कल्टिवेबल लैंड. Fallow land into the cultivable land. India ke southwest mein jo areas hain, Punjab ke southwest mein jo areas hain, Bathinda, Mansa, Moga, Fazilka, Abohar, Faridkot, Firozpur, in Chandigarh east mein padta hai. Maine west pucha. East and west, south east, southwest. Aur dusri baat, Chandigarh mein agriculture hoti hai. Chandigarh mein water ki badi shortage hai, isliye agriculture nahi hoti. Kahan hogi agriculture? रूफटॉप एरिया में, छत के ऊपर. सो साउथ वेस्ट ऑफ पंजाब नॉट केपेबल फॉर प्रोड्यूस मोर देन वन क्रॉप इन अ ईयर. रीजन, एडिक्वेट वाटर फैसिलिटी इज नॉट देयर. वाटर की स्कैसिटी है. मोस्टली एज द क्रॉप्स आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द विंटर्स व्हेन द लेसर वाटर कंजम्पशन एज रिक्वायर्ड. राइस इज नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस इन साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब. दे आर बेसिकली प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग द खरीफ सीजन एज कॉटन प्रोडक्शन. बठिंडा, मानसा, मोगा, मुक्सर, इन एरिया से कॉटन होता है पंजाब में. सो नेक्स्ट, थर्ड लैंड यूज पैटर्न इज अ लैंड विच इज यूज फॉर द मिसलेनियस क्रॉप्स. फॉर एग्जाम्पल, द पेस्चर लैंड्स, द डिजायरेबल एरिया अंडर द पेस्चर लैंड्स, ग्रेजिंग लैंड्स, इट शुड बी एज अ 19%
होना चाहिए, पर प्रेजेंटली देर इज अ 3.45% एरिया, 3.45% एरिया इज अंडर द पैचर लैंड्स। पीछे क्या, मैं पीछे हूं, मिसलेनियस जैसे फूड क्रॉप्स नहीं होती है, फूड क्रॉप्स के एक्सेप्ट, नहीं बेवरेज भी नहीं, कैश क्रॉप्स, ठीक है ना। चले आगे, तो 3.45% प्रेजेंट ग्रेजिंग लैंड्स आर अवेलेबल, सो एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर इज नॉट देयर, दैट्स व्हाई द मिल्क प्रोडक्शन इज लो ग्रेडेड, मिल्क प्रोडक्शन लो ग्रेडेड, एनिमल्स के लिए फॉर्डर ही नहीं है हमारे पास। वी आर बेसिकली कंप्लीटिंग द फॉर्डर नेसेसिटी फ्रॉम remains of agriculture crops after harvesting the husk which has remains in a fields it has used as a fodder usse milk production kam ho rahi hai theek hai na iske andar isi ke andar aati hain some of the areas where the plantations are orchards bag lagaye jate hain ye uske andar nahi ye miscellaneous crops ke andar aayega theek hai full stop rest we will do on tomorrow